एक और डॉक्टर हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं, श्रीमान डॉक्टर बोरसे। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर, आप तो बिल्कुल एक जनसेवा प्रभु सेवा के मिजाज से काम में लगे हैं, तो मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं जो देशवासियों के लिए आपके संदेश चाहिए। एक तो बोलिए ना सर। अनेक लोगों के मन में प्रश्न है कि कब हाँ हाँ डॉक्टर से संपर्क करना है और कब उनको कोरोना का टेस्ट कराना है, एक डॉक्टर के हाँ हाँ नाते। और आप तो पूरी तरह आपने आपको इस कोरोना के मरीजों के लिए समर्पित कर दिया है, तो आपकी बात में बहुत ताकत है, तो मैं सुनना चाहता हूँ। सर जी, मैं यहाँ पे बीजे मेडिकल कॉलेज पूना है, वहाँ पे प्रोफेसर हूँ, और हमारे पूना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हॉस्पिटल है, नायडू हॉस्पिटल करके, वहाँ पे जनवरी 2020 से वो स्क्रीनिंग सेंटर चालू हो गया है। वहाँ पे आज तक 16 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस निकले हैं सर, और वो 16 कोविड-19 पेशेंट जो निकले हैं उसमें से हमने ट्रीटमेंट देके उनको क्वारंटाइन करके, आइसोलेशन करके, ट्रीटमेंट देके 7 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है सर। और जो अभी बाकी 9 केसेस है, दे आर ऑल्सो वेरी स्टेबल एंड दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। दो भी वो वायरस बॉडी में होते हुए भी दे आर गेटिंग वेल, दे आर रिकवरिंग आउट ऑफ द कोरोना वायरस। और अभी यहाँ पे जो सैंपल साइज तो वैसे छोटा है सर, 16 केसेस ही है, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि यंग पॉपुलेशन भी अफेक्ट हो रही है, और यंग पॉपुलेशन अफेक्ट होते हुए भी जो डिसीज है वो ज्यादा सीरियस डिसीज नहीं है सर, वो माइल्ड डिसीज है, और वो पेशेंट लोग काफी अच्छे हो रहे सर। और अभी ये जो 9 लोग बाकी है वहाँ पे दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेल, दे आर नॉट गोइंग टू डिटेरियरेट। वी आर कीपिंग वॉच ऑन देम ऑन डेली बेसिस, लेकिन दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेल इन कमिंग 4-5 डेज। जो लोग हमारे यहाँ सस्पेक्ट करके आते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवलर्स है, और जो कॉन्टेक्ट में आए हैं, ऐसे लोगों का सर हम स्वैब ले रहे हैं, नेजो फेरेंजियल स्वैब ले रहे हैं, नेजल स्वैब ले रहे हैं, और नेजल स्वैब का रिपोर्ट आने के बाद अगर पॉजिटिव निकला है तो हम पॉजिटिव वार्ड में एडमिट कर रहे हैं, और नेगेटिव अगर निकला तो उनको होम क्वारंटाइन का संदेश देके, कैसा लेना है होम क्वारंटाइन, क्या करना है होम को जाके, ये एडवाइस करके हम उनको घर पे भेज रहे हैं। उसमें क्या समझाते हैं आप, घर में रहने के लिए क्या क्या समझाते हैं आप, जरा बताइए। सर एक तो अगर होम में भी रहे तो होम में भी क्वारंटाइन आपको करना है, 6 फीट डिस्टेंस कम से कम तो आपको रखना है, ये पहली बात। दूसरी बात, उनको मास्क यूज करना है और बार बार हाथ साफ करना है। अगर आपके पास सैनिटाइजेशन नहीं है फिर भी अपना सादा सिंपल साबुन से और पानी से हाथ साफ करना है, वो भी बार बार साफ करना है। और जब आपको खांसी आएगी, स्नीजिंग होगा, तो आप सादा रुमाल लगा के उसके ऊपर खांसी करना है, सो दैट वो जो ड्रॉपलेट्स है वो ड्रॉपलेट ज्यादा दूर तक नहीं जाए और जमीन पे ना गिरे। और जमीन पे ना गिरने की वजह से वो अगर हाथ लग जाता है तो किसी को फैलना पॉसिबल नहीं होगा, ये समझा रहे हैं सर। दूसरी बात समझा रहे हैं कि दे आर सपोज टू बी देयर एज ए होम क्वारंटीन, दे आर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ द होम। अभी तो लॉकडाउन हो गया है, इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन दे आर सपोज टू बी लॉकडाउन, बट दे आर सपोज टू बी होम क्वारंटाइन ऑल्सो प्रॉपरली फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 14 डेज के लिए हम क्वारंटाइन उनको सूचित कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं हम। चलिए डॉक्टर, आप लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो और समर्पण भाव से कर रहे हो, और आपकी पूरी टीम लगी है। मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी पेशेंट्स आए हैं सब सुरक्षित होकर के अपने घर जाएंगे, और देश में भी हम इस लड़ाई में जीतेंगे आप सबके लोगों की मदद से। और हमें विश्वास है हम जीतेंगे, ये लड़ाई जीत जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर आपको। धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू सर।